अब हम इस चैप्टर को दो सेक्शंस में समझेंगे। पहला सेक्शन जो है उसका नाम है परमुटेशंस। परमुटेशंस का जो मीनिंग होता है ये होता है अरेंजमेंट्स, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड परमुटेशन। इसके एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 सीट्स अवेलेबल है और 10 जो है पर्सन्स अवेलेबल है जिनको हमने इन 5 सीट्स पे अरेंज करना है, सिट करना है। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। देखिए जब हम 10 थिंग्स वी आर हैविंग, एक प्लेस को हम 10 वेज में फिल कर सकते हैं, दूसरा प्लेस जो है वो अब 9 वेज में फिल हो सकता है, 10 वेज में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो एक वेज एक पर्सन तो यहां बिठा दिया गया है, तो अब हमारे पास 9 ही लोग अवेलेबल हैं, तो 9 वेज में जो है सेकंड प्लेस भरा जा सकता है, थर्ड प्लेस जो है वो 8 वेज में भरा जा सकता है, फोर्थ जो है 7 वेज में और फिफ्थ जो है वो 6 वेज में भरा जा सकता है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ये मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज देगा कि जिसमें ये सिटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब यहां मल्टीप्लाई क्यों लगाया, प्लस क्यों नहीं लगाया, उसका हम रीजन समझते हैं। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या होगा जब भी एंड का साइन आए, मतलब देखिए हमें ये प्लेस भी फिल करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड एंड दिस एवरी प्लेस हैज टू बी फिल्ड। तो जब एंड का मतलब जहां पे भी एंड आएगा तो हमने वहां पे क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो इसका टोटल आंसर आपका इन सब का प्रोडक्ट रहा। इसी की वैल्यू जो है वो 10 PR, आर क्या है इसके अंदर, मान लीजिए हमारे पास 5 प्लेसेस थे, तो इस फॉर्मूला के थ्रू भी फॉर्मुलेट की जा सकती है, वो बिल्कुल सेम यही वैल्यू आएगी। अब देखते हैं बेटे कि अगर हमारे पास, ये तो केस था जब हमारे पास प्लेसेस थे कम और लोग थे ज्यादा। मान लीजिए हमारे पास 5 जगह है जो फिल करनी है और 5 ही हमारे पास जो है वो लोग अवेलेबल है जब इनको यहां पे फिल कराना है, तो ये जो प्लेस है ये कितने वेज में फिल हो सकता है, 5 वेज में, और ये वाला 4 वेज में, ये वाला 3 वेज, दिस 2 वे एंड लास्ट वन इज विद 1 वे। अब ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है 5 factorial। तो ये एक स्पेशल केस बन गया है जिसमें रेपिटिशन अलाउड नहीं थी, रेपिटिशन नॉट अलाउड। तो अगर इसी केस में हम ऐसा कुछ लेते हैं जिसमें रेपिटिशन इज अलाउड, अब पर्संस के केस में तो पॉसिबल नहीं है पर डिजिट्स के केस में पॉसिबल है। मान लीजिए हमारे पास 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो ये 5 प्लेसेस हैं, अगर हमें मान लीजिए 5 की जगह 6 भी प्लेसेस होते हैं तो ये प्लेसेस हमें इन 5 डिजिट से फिल कराने हैं वेयर रेपिटिशन इज अलाउड। रेपिटिशन यहां पे क्या है, अलाउड। तो मतलब हर प्लेस जो है 5 वेज में फिल हो सकता है, ये भी 5 वेज में, ये भी 5 वेज में, 5 वेज एंड 5 वेज, तो ये 5 की पावर 6 वेज टोटल हमारे पास बनता है। तो लेट अस नाउ जनरलाइज द फॉर्मूला। अगर हमारे पास n टोटल प्लेसेस हैं या n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें अरेंज करना है, कितने प्लेसेस में, p प्लेसेस पे अरेंज करना है या आर प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, NPR, where R should be less than N। और अगर ये R और N हमारा सेम रहता है तो ये बन जाएगा N factorial। ठीक है, जो इस केस में N की वैल्यू R की जगह N पुट करने से भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आता है, राइट?